टीम इंडिया के लिए साल 2007 टी20 वर्ल्ड कप और 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप में जीत के हीरो रहे स्टार ऑलराउंडर युवराज सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास के बाद अब नौकरी ढूंढ रहे हैं। जी हाँ, युवराज सिंह अब अपना सीवी लेकर नौकरी की तलाश कर रहे हैं और इंटरव्यू दे रहे हैं। दरअसल युवराज सिंह हॉटस्टार पर आ रही एक वेब सीरीज द ऑफिस इंडिया में एक्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें वो चड्डा जी के ऑफिस में नौकरी मांगने जाते हैं। दरअसल इस वीडियो को इस तरह से वायरल किया जा रहा है और कई लोग ये कह रहे हैं कि युवराज सिंह पाई पाई के मोहताज हो गए हैं, लेकिन युवराज सिंह की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसमें वो नौकरी ढूंढते नजर आ रहे हैं, लेकिन युवराज सिंह ये सिर्फ एक वेब सीरीज के सीन के लिए ऐसा कर रहे हैं। युवराज और चड्ढा जी के बीच बातचीत होती है जो काफ़ी रोचक है। हालांकि बाद में युवराज सिंह को चड्ढा जी पसंद नहीं आते हैं और युवराज नौकरी करने से साफ इनकार कर देते हैं। इस इंटरव्यू में चड्ढा जी युवराज सिंह से पूछते हैं कि आपने अब तक क्या क्या बेचा है, जिसका जवाब देते हुए युवराज सिंह ने कहा कि मैंने अब तक गाड़ी, चॉकलेट, टूथपेस्ट, फ्रिज और यहाँ तक कि इंश्योरेंस भी बेचा है। युवराज सिंह ने यह भी कहा कि आप चाहें तो मैं आपको पेपर भी बेच सकता हूं। इसके बाद चड्ढा युवराज से कई सारी चीज़ों पर साइन करवा लेते हैं। इसके बाद युवराज का थ्रो टेस्ट होता है। इंटरव्यू में युवराज सिंह से क्रिकेट की हिंदी भी पूछी जाती है, जिसके बाद युवराज सिंह जवाब देते हुए कहते हैं लंब दंड गोल पिंड भाग दौड़ प्रतियोगिता। हालांकि सैलरी की बात आते ही चड्ढा जी और युवराज सिंह की बात नहीं बन पाती और युवराज सिंह ये नौकरी नहीं करते। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में साल 1981 में जन्मे युवराज सिंह ने भारत के लिए 44 टेस्ट, 304 वनडे और 58 T20 मैच खेले हैं। टेस्ट में युवराज सिंह ने 3 शतक और 11 अर्धशतकों की मदद से कुल 1900 रन बनाए, जबकि वनडे में उन्हें 14 शतक और 52 अर्धशतकों की मदद से 8701 रन जुटाए। T20 मैचों में युवराज ने कुल 1177 रन बनाए, इनमें 8 अर्धशतक शामिल हैं। युवराज ने टेस्ट मैचों में 9, वनडे में 111 और T20 मैचों में 28 विकेट भी हासिल किए हैं। साल 2008 के बाद युवराज कुल 231 T20 मैच खेल चुके हैं और 4857 रन बना चुके हैं। युवराज सिंह जैसा बेहतर खिलाड़ी अब तक किसी ने नहीं देखा है। दरअसल युवराज सिंह जिस तरह के खिलाड़ी हैं वो हर किसी को पसंद आते हैं और विश्व कप के बीचों बीच इस तरह से संन्यास का ऐलान करना हर किसी को हैरान कर गया है। युवराज के लिए वो वर्ल्ड कप काफ़ी खास था, क्योंकि जब भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था तब उनका जन्म भी नहीं हुआ था। ये बात थी साल 1983 की, और जब वो वर्ल्ड चैंपियन बने तो उन्होंने अपने नाम एक अनोखा रिकॉर्ड जोड़ लिया। युवराज पहले ऐसे ऑलराउंडर हैं जिन्होंने किसी विश्व कप में 300 से अधिक रन बनाने के अलावा 15 विकेट भी हासिल किए हैं। ANP न्यूज़ रूम से अभिलाष की रिपोर्ट।